दोस्त भी हैं और हमारी से ये जो एग्रीकल्चर इंडस्ट्री है उसके स्टेक होल्डर्स भी मैं इनको कहूँगा। लवबर्ड आइकन मैं आपको कहता हूँ कि माशाल्लाह लवबर्ड इंडस्ट्री, बाज़ लोग होते हैं कि वो इदारों में काम करते हैं और बाज़ लोग होते हैं वो इदारे बनाते हैं। तो वड्डी गल ये वे कि इन वर्गा अखलाक को नहीं, इन वर्गी मोहब्बत को नहीं। मेरे वर्गे बंदे को पैसे है फिर भी कर देते नहीं, या तो फिर भी आते या तो डी एन ए कल पैसे की कोई पूरी लैब का यहाँ पे बर्ड अच्छा जबरदस्त बेसिकली नहीं भाई स्टार्टिंग फ्रॉम द बेसिकली ये जो हमने लैब बनाई हुई है इट हैज़ फोर डिफरेंट सेक्शन राइट। ये चार दिखाते ये जो चीज़ मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ ये फैदर को इस ट्वीज़र से पकड़ राइट नॉट इवन ग्लव्स वाले हाथ से भी नहीं ठीक है दे यूज़ दिस और उसके बाद ये काटते हैं इसलिए और सर ये एक सैंपल पे एक यूज होता है। ओके जी सर आपका रिंग आईडी के अलावा आपका जो सैंपल आप हमें भेजते हैं वो भी हमारे पास एक साल तक सेल आए हैं। तो आपने दरवाज़ा खोला है आप लैब में एंटर स्ट्रेट अवे हम नहीं बोल रहे ठीक है देयर इज अ बफर जोन चलिए हर जगह पे आपको तो डॉक्टर साहब ये कोर्स तो हमने पहले नहीं तो हर ये समथिंग लेकिन चले नहीं जी अब रिजल्ट्स जो है वो डिले मेरा नहीं ख्याल डॉक्टर साहब होने चाहिए ठीक है सर अलहमदिल्ला आप तो देख ही लिए यानी कि वो जो 11th आवर पे हम डॉक्टर साहब कहते हैं आज ही चाहिए बहुत दूर से आ रहा है तो आप यही करके डॉक्टर वो उस मशीन में लगा दिया डॉक्टर साहब ये तो आप दिखा के मैं हंस गया अच्छा जी यहाँ पे डॉक्टर साहब कोई नजर नहीं आ रहा तो ये इसकी क्या वजह है यहाँ पे काम क्या होता है अगर बंदा ही कोई नहीं सर इसकी और ये बेसिकली सर पीसीआर मशीन्स हैं जिन पे एक्चुअली टेस्टिंग होती है ठीक है और जो मैं आपसे बात कह रहा था कि वो थोड़ी सी बड़ी बात है इस वजह से हम अल्लाह से डरते हैं कहते हुए वाली बात कि ये नॉट इन पाकिस्तान वी क्लेम दिस लैब टू बी द बिगेस्ट इन द वर्ल्ड इतनी बड़ी लवबर्ड के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ नॉट अदर ग्लोबल विलेज तो बन चुका हुआ ये सारी चीज़ें इंटरनेशनली हो सकती हैं हमारी ट्रेड भी और आपके डीएनए सर मेरे दोस्त और वो व्यूअर्स और सब्सक्राइबर्स जो बहरीन में कुवैत में यूएई में ख़ास तौर पे आप लोग बहुत प्यार करते हैं मैं आप डॉक्टर साहब का नंबर भी स्क्रीन जो मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ वो इसलिए कर रहा हूँ कि वो मेरे मुल्क के लिए हम सब के मुल्क के लिए हमारे कंट्री के लिए और हमारे उन लोगों के लिए जो बाहर बैठे हैं और जो है मेरे रूटीन में जब कॉन्टेक्ट होता है उसमें इंडियन पाकिस्तानी के जो वहाँ के लोकल्स हैं जो यूएई में जो बाकी लोग वो अगर हमारे यहाँ इन चीज़ों से फैसिलिटेट होंगे तो ये जी हमारे लिए भी ऑनर होगा हमारे इस मशीन इज एक्चुअली द फोटो कापी ऑफ डीएनए राइट डीएनए तो हो रहे हैं ये अब एक और चैलेंज जी मैं इन्हें देने जा रहा हूँ और मैं आई बिलीव कि अगले साल नहीं उस साल से पहले आप मुझे दोबारा इनवाइट करेंगे और इस चीज़ पे हम बात कर रहे होंगे कि अगर कोई बर्ड किसी चीज़ का स्प्लिट है तो क्या हम उसकी जीनोटाइप को आप पीसीआर के थ्रू या किसी एक प्रोसेस के थ्रू बता सकते हैं कि वो स्प्लिट ये वो बर्ड जीन कैरियर है क्या है कि डीएनए के अंदर हम ब्लू कलर डालते हैं और उसको जेल में रखते हैं इसमें ठीक है किसी तरीके से हम इसके इंटरप्रिटेशन करते हैं दो जो ये आ रही हैं ये फीमेल्स हैं जो सिंगल कॉपी जिसमें आ रही है वो मेल है ये भी रिक्वेस्ट की थी कि आपके जो लैब का जो एसओपी है उसके मुताबिक हमें सैंपलिंग का बताएं ताकि आप सारे नए और पुराने लोग जो सैंपल कैसे लेना है उसको एग्जैक्टली लास्टली सारा सर बंद कर अभी जो चीज़ जो कि इनका बहुत बड़ा स्टेप होगा और मैं बहुत अप्रिशिएट करूँगा और अभी भी कर रहा हूँ और तब और ज़्यादा करूँगा जब वो ये लॉन्च कर देंगे वो है एक क्लिनिक जो कि सिर्फ बर्ड और ओवरऑल बर्ड्स के लिए यानी कि एवियन क्लिनिक होगा वो